डियर फ्रेंड्स, मैं मंजू। आज के इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन करेंगे सीटेट के, सीडीपी के। पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों ही के लिए है। 15 क्वेश्चन करते हैं इसके। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इन्फेंसी इज फ्रॉम। तो इन्फेंसी का जो टाइम होता है, टाइम पीरियड है, वो कहाँ से है? बर्थ टू बर्थ टू वन ईयर नहीं है, बर्थ टू टू ईयर ये इन्फेंसी है, बर्थ टू थ्री ईयर नहीं है, टू टू थ्री ईयर नहीं है। तो इन्फेंसी, जहाँ बच्चे को हम इन्फेंट कहते हैं, तो इन्फेंसी का टाइम पीरियड कौन सा होता है? बर्थ टू टू ईयर, यानी कि पैदाइश से तो 2 साल तक का बच्चा, जिसे हम इन्फेंसी का टाइम पीरियड कहते हैं, जहाँ पे बच्चे अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू क्या करता है, अपनी लर्निंग करता है या अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। प्याजे के हिसाब से के प्याजे ने बोले थे कि बच्चा सेंसरी ऑर्गन्स का यूज़ करता है, तो ये कोऑर्डिनेट मूवमेंट करता है बच्चा, तो ये इन्फेंसी का टाइम होता है बर्थ टू टू ईयर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्याजे, अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 ईयर इज इन डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो प्याजे के हिसाब से 2 to 7 ईयर में बच्चा कौन सी स्टेज में होगा? तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। 2 to 7 ईयर यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है, और सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि 2 ईयर तक, बर्थ टू 2 ईयर सेंसरी मोटर स्टेज है, और कॉन्क्रीट यानी के 7 to 11 और फॉर्मल 11 अप। तो प्याजे ने जो 4 स्टेजेस बताए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, सबसे पहली थी सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बाद थी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है 2 to 7 ईयर की, और बच्चा ऑपरेशन कब परफॉर्म करता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि जब बच्चा जब 7 ईयर का हो जाता है तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और ऑपरेशन क्या है? मेंटल एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश। तो डेवलपमेंट कैसी होती है? जनरल टू स्पेसिफिक होती है। अभी हमने लास्ट जब वीडियो देखे थे तो उसमें हमने इसके प्रिंसिपल देख लिए थे। तो डेवलपमेंट कैसी होती है? जनरल टू स्पेसिफिक होती है, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड नहीं होती, स्पेसिफिक से जनरल नहीं होती, सिंपल टू ईजी नहीं होती, ये होती है जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अडल्ट एडजस्ट टू द असिस्टेंस दे प्रोवाइड टू फैसिलेट प्रोग्रेशन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस टू पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहेंगे? देखिए, ये वाइगोस्की की थ्योरी का क्वेश्चन है। अब पहले तो आंसर बता देती हूँ मैं, इसे स्कैप फोल्डिंग कहेंगे, जहाँ पे कोई भी अडल्ट बच्चे को हेल्प प्रोवाइड करता है। तो 3 टर्म दिए थे वाइगोस्की ने, एक था ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दिया गया है, ये नहीं है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक था स्कैप फोल्डिंग और एक था MKO। तो वाइगोस्की ने ये 3 टर्म दिए थे, ZPD यानी कि क्या, कि वो डिस्टेंस या वो डिफरेंस जहाँ पे बच्चा अपने एक पोटेंशियल लेवल पे कुछ कर सकता है बिना किसी की हेल्प के, और एक लेवल होता है जहाँ बच्चे को किसी के हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो जो डिस्टेंस होता है वो ZPD है। स्कैप फोल्डिंग यानी कि क्या, कि उसको जो भी हेल्प, टेम्प्ररी जो हेल्प प्रोवाइड होती है, अब इसके लिए अदर वर्ड भी यूज़ होते हैं, फैसिलिटेट या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, हेल्प प्रोवाइड की जाती है, या मोटिवेशन या हिंट दी जाती है बच्चे को किसी चीज़ को करने के लिए, या फिर इनकरेज किया जाता है। तो ये जो चीज़ें होती है ये स्कैप फोल्डिंग में आ जाएंगी। और MKO भी एक टर्म दिए थे उन्होंने, मोर नॉलेजेबल अदर। तो आंसर होगा हमारा स्कैप फोल्डिंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग नहीं है ये, और पार्टिसिपेटरी लर्निंग भी नहीं है, आंसर होगा स्कैप फोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो ये प्याजे की थ्योरी से है। प्याजे ने जो टर्म्स दिए थे अलग अलग, स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो जहाँ पे बच्चा
अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में न्यू इंफॉर्मेशन को फिट करता है या इंक्लूड करता है, या तो फिट करेगा या इंक्लूड करेगा, वो होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी कि क्या, कि इक्विली इक्विलिब्रेशन का प्रोसेस होता है, जिनमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एडेप्टेशन और एक होता है ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि क्या, कि जहाँ पे बच्चा क्या करेगा, बैलेंस करेगा, बैलेंसिंग करना है ना, कि अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को और न्यू इंफॉर्मेशन को दोनों को मिला के जब बच्चा बैलेंस करता, तो एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन से होता है। एडेप्टेशन में फिर से दो चीज़ें आती है, एक आती है एसिमिलेशन और एक होती है अकोमोडेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है कि जहाँ बच्चा ऑलरेडी जो उसके माइंड में जो स्कीमा है, ऑलरेडी जो चीज़ का स्कीमा है या जो भी उसकी प्रीवियस नॉलेज है, जो भी उसके माइंड में इंफॉर्मेशन है, उसी में ये क्या करेगा, न्यू नॉलेज को या न्यू इंफॉर्मेशन को फिट कर देता है। यहाँ पे वो चीज़ उसकी फिट हो जाएंगी, और नई चीज़ जब आप उसमें डाल देते हैं तो वो होता है एसिमिलेशन। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन ही क्या है, एडेप्टेशन। और अकोमोडेशन कब होता, जहाँ बच्चा चेंज करेगा, चेंजिंग या फिर मॉडिफाई करेगा, मॉडिफाइंग। तो आंसर हो गया एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इन मिडल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर डैश रेदर देन डैश। तो देखिए यहाँ पे ना मिडल चाइल्डहुड की बात की गई है, एक होता है अर्ली चाइल्डहुड जहाँ पे बच्चा है 2 to 6 ईयर, और यहाँ पे बात की गई है मिडल चाइल्डहुड की। तो मिडल चाइल्डहुड में बच्चा कितना रहेगा, अगर मिडल चाइल्डहुड की बात की गई है 9 to 11 ईयर ले लेंगे हम मिडल चाइल्डहुड। अब यहाँ पे बच्चे की स्पीच कैसे होंगी, तो देखिए ईगो सेंट्रिज्म पियाजे की थ्योरी के हिसाब से बच्चा कब करता, प्री ऑपरेशनल स्टेज में करता, 2 to 7 ईयर तक अगर देखो तो ईगो सेंट्रिज्म वाली स्पीच होती है ना। तो ईगो सेंट्रिज्म यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आ गया, एक है कि वो सोशलाइज्ड एंड ईगो सेंट्रिक हो जाती है, तो सोशलाइज हो जाती है ज़्यादा और ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है वहाँ पे कम हो जाता है, तो ये राइट हो गया। एनिमिस्टिक बच्चा नहीं करेगा यहाँ पे, और मैच्योर या इमेचर भी नहीं। तो बच्चा क्या करता है कि मिडल चाइल्डहुड में जब बच्चा पहुँचता है तो उसकी जो स्पीच है वो सोशलाइज्ड हो जाती है। स्पीच कैसी हो है, स्पीच इज मोर सोशलाइज्ड रेदर देन ईगो सेंट्रिक। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है द चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इन्वॉल्व। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होंगी, हैंड ऑन एक्टिविटी फॉर किड्स ये करेंगे, चिल्ड्रन सिटिंग इन अ कॉर्नर ये बिल्कुल नहीं करेंगे, लर्निंग इन रेस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं, हमको फियर फ्री इन्वायरमेंट देना है बच्चे को, तो ये पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद है एक्टिविटीज दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले, प्ले वे प्ले तो यूज करो, प्ले वे मेथड में और अच्छा बच्चा करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। द क्लास टीचर ऑब्जर्व राघव इन हर क्लास प्लेइंग मेलोडीज सेल्फ कंपोज म्यूजिक ऑन हिज कीबोर्ड। द क्लास टीचर थॉट दैट राघव सीम टू बी हाई इन डैश इंटेलिजेंस। तो देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंस का टाइप बताया गया है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस का, जो हार्डवर्क गार्डनर की थ्योरी है, गार्डनर की थ्योरी का है ये, हार्डवर्क गार्डनर के। तो स्पेशियल यानी कि स्पेस से रिलेटेड इंटेलिजेंस की बात नहीं हुई है, बॉडीली या काइनेस्थेटिक नहीं है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है हमारा आंसर। और लिंग्विस्टिक या वर्बल इंटेलिजेंस की भी बात नहीं हुई है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो इंटेलिजेंस के टाइप बताए थे उनमें एक था
म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिसकी यहाँ पे बात की गई है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ टीचर कंसीडर बॉय एज naturally better at mathematics than girls, it shows that teacher is, तो teacher क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे, अगर वो बोल रहे हैं कि जो boys है वो maths में अच्छे होते हैं girls से, तो option देखेंगे। ethical ये बिल्कुल भी नहीं है, gender bias तो teacher हो रहे हैं यहाँ पे, moralistic नहीं है और high minded भी नहीं, right minded भी नहीं है, तो teacher क्या है यहाँ पे, gender biased हो रहे हैं, ये show कर रहा है। Next है, inclusive education assume that we should change the dash to fit the dash, अगर inclusive education की हम बात करें, type of education कितने हैं, एक तो है integrated education, progressive education, inclusive education, तो inclusive education की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या चीज़ होती है, यहाँ पे ये change करेंगे क्या, डैश टू फिट द डैश, तो ये जाहिर बात है फिट किसको करेंगे, चिल्ड्रन को करेंगे, तो शुड चेंज द चिल्ड्रन को चेंज करेंगे क्या, नहीं, ये सिस्टम को चेंज करेंगे, इट शुड, वी शुड चेंज द सिस्टम टू फिट द चाइल्ड, इन्वायरमेंट को चेंज नहीं, या चाइल्ड को फिट करेंगे कि ये यहाँ पर नहीं करेंगे, तो इंक्लूसिव एजुकेशन ये ऐसा टाइप है एजुकेशन का जहाँ पे नॉर्मल बच्चे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे या फिर डिसेबिलिटी वाले बच्चे, सारे बच्चे एक ही छत के नीचे पढ़ाए जाते हैं और ये अपने सिस्टम को चेंज करते हैं, ये ऐसा सिस्टम है जहाँ पे ये अपने सिस्टम को चेंज करते हैं, और चेंज क्यों करते हैं, ये जो बच्चा है, बच्चे की नीड के लिए, बच्चे की जो भी नीड्स है इसके हिसाब से ये अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज करते हैं ताकि बच्चा अच्छे से वहाँ पे फिट हो सके, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है, Children have the potential to create knowledge and make meaning from his perspective. The role of teacher is that of. अब देखिए यहाँ पर ना बच्चे में वो potential है कि वो अपने knowledge को क्या कर रहा है, खुद कर रहा है, meaning भी ले रहा है, खुद बना रहा है, तो teacher का यहाँ पर role फिर क्या रहेगा, negotiator नहीं, सिर्फ negotiate करेगा क्या वो, नहीं करेगा, उसके बाद है, स्क्रीन ले लेंगे, कम्युनिकेटर एंड लेक्चरर का नहीं रहेगा ये, टीचर यहाँ ना फैसिलेट करेगा, फैसिलेटर का रोल रहेगा, डायरेक्टर का भी नहीं रहेगा, तो देखिए अगर हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें, प्रोग्रेसिव एजुकेशन या पी ई की अगर हम बात करें, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें, तो यहाँ पे जो टीचर का रोल होता है ना वो फैसिलेटर का होता है, कि टीचर यहाँ बच्चा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, और टीचर क्या है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे काम करेगा या फैसिलेटर के तौर पे काम करेगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, इनमें से कौन से गिफ्टेड चाइल्ड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, फर्स्ट है हाई ऑर्डर मेंटल प्रोसेस, तो ये करते ही है तो ये आंसर नहीं होगा, हाई सेल्फ एफिशिएंसी होती है तो ये भी आंसर हमारा नहीं है, बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेस, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा क्योंकि नॉट पूछा गया है, इन ये एवरेज के अबव होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं ये हमेशा एवरेज के ऊपर होते हैं, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। रेंजुले ने थ्योरी भी दिए थे, रेंजुले की थ्योरी थी थ्री रिंग मॉडल थ्योरी, और गिफ्टेड बच्चों पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है एक। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न्स व्हेन मेकिंग अ मॉरल डिसीजन, कि जब भी मॉरल डिसीजन लेना है तो इंडिविजुअल किस हिसाब से करेगा, किस हिसाब से लेगा। अब देखिए जो स्टेज दी गई है ना वो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, सॉरी स्टेज नहीं, ये लेवल है, क्योंकि कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट के लिए तीन लेवल दिए थे, थ्री लेवल की बात किए थे, जिनमें से सबसे पहला जो लेवल है वो है प्री कन्वेंशनल लेवल, नेक्स्ट लेवल है कन्वेंशनल लेवल,
और थर्ड वाला है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो जो प्री कन्वेंशनल लेवल है इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड, जो ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, पूछा गया है कि बच्चा क्या करेगा, पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए वो चीज़ों को करेगा, ठीक है। और दूसरा इसमें दूसरी जो स्टेज थी, एक तो थी कि ओबीडियंस रहेगा और दूसरी पर्सनल जो टिक फॉर टैट है, पर्सनल या एक्सचेंज ओरिएंटेड जो स्टेज थी सेकंड वाली इसकी, वो तो दो ही स्टेज है प्री कन्वेंशनल में, हर लेवल की दो दो स्टेज है। तो ये है पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, पर्सनल नीड एंड डिज़ायर नहीं है, इंडिविजुअल वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं है और फैमिली एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये है पनिशमेंट ओरिएंटेड। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। और वैसे भी आप ले लेते थे आंसर उसका, क्योंकि अदर उसके ऑप्शन उससे मैच नहीं हुए, और वैसे भी आंसर उसका क्या है, ऑप्शन नंबर 1। रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंस द टीचर शुड, टीचर ने क्या करना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन, बिल्कुल राइट था। सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिडक्टिव मेथड, नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज अल्गोरिथम, मोस्ट ऑफ द टाइम अल्गोरिथम यूज कर रहे, बिल्कुल नहीं। प्रोवाइड फैक्ट टू स्टूडेंट टू मेमोराइज, तो मेमोराइज भी हमको कराना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 15। Which one of the following is not the principle of child development? इनमें से कौन सा child development का principle नहीं होगा? All development, first है all development follows a sequence. हाँ, ये पूरे एक sequence को follow करते हैं। All area of development are important, बिल्कुल सही है। All development result from an interaction of maturation and experiences, ये भी right है। All development and learning proceed at an equal rate, equal rate पे नहीं होती है ये जो डेवलपमेंट और लर्निंग है ना, तो ये इक्वल रेट या इक्वल पेस पे कभी भी नहीं होती है। तो ये हमारा प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का, जो इसमें पूछा गया है कि कौन सा प्रिंसिपल नहीं होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमने देखे अभी 15 क्वेश्चंस हमने देख लिए, ऐसे ही हर सब्जेक्ट के हम 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे जनवरी के पेपर के लिए। सीटेट की ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही के लिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और पेड बैच में ज्वाइन होने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।